तालिबान ने पाकिस्तानी परचम की बेहुर्मती कर दी। सोशल मीडिया पर तालिबान के हाथों पाकिस्तानी परचम की बेहुर्मती की वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ तालिबान ऐसे ट्रकों से पाकिस्तानी परचम को जबरदस्ती उतार रहे हैं जो इमदादी सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक है जिन्होंने तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तालिबान को इमदादी सामान के कई ट्रक अफगानिस्तान भेजे। लेकिन तालिबान ने इस इमदाद का ये सिला दिया है कि जैसे ही इमदादी सामान के ये ट्रक तुरहम बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में दाखिल हुए, तालिबान ने पाकिस्तानी परचम ना सिर्फ जबरदस्ती उतारे बल्कि उसकी बेहुर्मती भी की और इसके साथ साथ नारे भी मारे। कहा यह जा रहा है कि ये असल तालिबान नहीं है बल्कि अफगान फौज के वो लोग हैं जो तालिबान हुकूमत के क्याम के बाद सरेंडर करके तालिबान की सफों में शामिल हो गए थे। अब यही अफगानी तालिबान के भेस में पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बाज लोगों का ख्याल है कि चूंकि पाकिस्तान में तालिबान का झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान में भी किसी और मुल्क का झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है। याद रहे, चंद रोज पहले लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज ने इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा पर तालिबान का झंडा लहराने की कोशिश की थी, लेकिन ये झंडा फौरी तौर पर हटा दिया गया था और मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR का अंदराज भी कर दिया गया था।